हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सीमा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड है मेरी उसी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक नई रेसिपी, तो चलिए उसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ नवरात्रि में बनने वाला एक फलाहारी डिश जो है साबूदाना उपमा। ये बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इस डिश को फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें जो जो सामान चाहिए, आइए हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। यहाँ हमने लिया है आधा कप साबूदाना और इसको हमने भिगो दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। ये पूरा फूल के तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। और थोड़े से हमने मूंगफली लिया है और एक आलू उबला हुआ हमने लिया है काटकर, 1 चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार। ये सेंधा नमक है जो व्रत में खाया जाता है। और थोड़ी सी धनिया की पत्ती कटी हुई है जिसे गार्निश करेंगे और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, 1/2 नींबू का रस। तो सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे और इसमें 1 से 2 चम्मच हम घी डाल लेंगे। घी जब गर्म हो जाए तब हम उसमें जीरा डाल देंगे और जीरा जब चटक जाए तब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और थोड़ा सा इसे हम 1-2 बार चला लेंगे, थोड़ा सा सौते कर लेंगे। और फिर हम इसमें डाल देंगे मूँगफली का दाना। तो मूंगफली का दाना हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लेंगे। जब ये आधा से थोड़ा ज़्यादा भून जाए तब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू और मूंगफली का दाना दोनों ही साथ में हम इसे भून लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे साबूदाना जो हमने भिगो कर रखा था। तो जब भी आप साबूदाना को भिगोएं तो इसे 2 से 3 पानी अच्छे से धोकर फिर इसे भिगोएं और फिर हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक हम इसमें सेंधा नमक डाल रहे हैं और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर साबूदाना को भी सभी चीज़ों के साथ हम भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर और फिर हम अब डाल देंगे नींबू का रस। सब चीज़ें भूनकर तैयार हो गई हैं। फाइनली हम डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ धनिया और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे सर्व करते हैं। आप चाहे तो इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। हमारा साबूदाना का उपमा बनके तैयार है। आपने देखा कितना आसान है बनाना और व्रत में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप बिना व्रत के वैसे भी इसे बना सकते हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर देंगे। तो नवरात्रि में इस डिश को आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।